महिला शिक्षिका मीरा और उसी की स्कूल में पढ़ने वाली कल्पना, दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने शादी करने के बाद यह कह दिया कि हम दोनों वैवाहिक जिंदगी से खुश हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के नगला गांव की एक सरकारी स्कूल की महिला शारीरिक शिक्षिका, जिसका नाम मीरा है, मीरा और उसी की स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम कल्पना है, दोनों ने गत 4 नवंबर को शादी कर ली, वो भी दोनों परिवारों की सहमति से। और उसके बाद से दोनों ने यह कह दिया कि हम दोनों हमारी शादी से खुश हैं और हमने पूरे परिवार की सहमति से शादी की है। जी हाँ, इस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल मीरा कुंतल जन्म से ही लड़कों जैसी हरकतें करती थी, ये उसके पिता का कहना है। यहां तक कि मीरा की 4 बहनें हैं और जो उनके बच्चे हैं वो उनको मौसी नहीं बल्कि मामा बुलाते थे। और महिला कोटे से मीरा का सरकारी सेवा में शिक्षिका के रूप में चयन हो गया। वो एक शारीरिक शिक्षिका है, वो एक अच्छी खिलाड़ी भी है, कई बार नेशनल भी खेल चुकी है। और इस दरमियान उसी की स्कूल में पढ़ने वाली कल्पना नाम की एक छात्रा से उसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। प्यार इस प्रकार से परवान पर चढ़ा कि दोनों ने शादी करने की सोच ली और शादी कर भी ली। दरअसल 2019 के बाद मीरा जेंडर चेंज करवाने की सोच रही थी, कई बार जेंडर चेंज करवाया और आखिरकार उसका ऑपरेशन सफल हुआ और उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। इस दरमियान कल्पना ने उसकी खूब सहायता की, उसका ख्याल रखा, उसका पूरा ध्यान रखा, क्योंकि कल्पना का प्यार मीरा थी जो अब आरोप बन चुका है। जी हाँ, मीरा आरोप बन चुका है, उसने अपना जेंडर चेंज करवाया और अब उसने अपना नाम आरव कुंतल रखा है। और इन दोनों की शादी की चर्चाएं आज पूरे देश भर में हो रही है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दोनों की खबरें सुर्खियां बटोर रही है। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें मीरा और कल्पना की हैं, या यूं कहें कि आरोप बने मीरा की और उसकी छात्रा कल्पना की है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के एक गांव के ये दोनों हैं। मीरा शुरू से ही कबड्डी की अच्छी प्लेयर थी और कल्पना भी कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी हैं, वो भी 3 बार नेशनल कबड्डी खेल चुकी है। हालांकि मीरा ने अब ये कह दिया है कि जब मैंने जेंडर चेंज करवा दिया है तो अब मेरे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवाने में मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम दोनों ने जो शादी की है उससे हम काफ़ी खुश हैं। और कल्पना ने भी यह कह दिया है कि मेरी आरव के साथ शादी हुई है क्योंकि मैं आरव से बहुत प्यार करती थी। जब आरव एक महिला शिक्षिका थी, जब उसका नाम मीरा था, तब से इन दोनों के बीच प्यार हो गया था और प्यार इस तरह से लगातार परवान चढ़ गया कि दोनों ने आखिरकार शादी कर ली गत 4 नवंबर को। तो ये मीरा और आरव हैं, हर कोई इन्हें इनकी शादी की बधाइयां दे रहे हैं, तो आप भी बधाइयां दीजिए। कहते हैं ना, जब किससे प्यार हो जाता है तो उसके लिए आगे उसको कुछ नहीं दिखता है और अपने प्यार के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है, और ऐसा ही मीरा और कल्पना ने किया। मीरा ने अपने प्यार के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लिया, वो लड़की से लड़का बन गया और अब कल्पना नाम की लड़की से उसने शादी भी कर ली। तो आप सब लोगों ने इस खबर को सुना, देखा। हालांकि इस खबर को सुनने के बाद आपको हैरानी जरूर हुई होगी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।